दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया चैनल में। फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट खबर के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अतिरिक्त शिक्षक न्यूज की। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको ऐसे ही अपडेट और अलर्ट मिलते रहे। दोस्तों हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं हताश थे शिक्षक उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अतिथि शिक्षक न्यूज की। दोस्तों अतिथि शिक्षकों के प्रति सरकार ने उदासीन रवैया के कारण इनका भविष्य अधर में लटका गया है, जिसके चलते अतिथि शिक्षक बेहद निराश हताश है और वो अब उग्र आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। जिला अध्यक्ष रविकांत गुप्ता ने सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अतिथि शिक्षक अब बहुत ही नाराज है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों में नहीं मानती है या हमारी मांगों में स्वीकृति नहीं देती है तो हम मई माह के अंत तक और जून माह से अतिथि शिक्षक ब्लॉक से लेकर राजधानी भोपाल तक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिला संयोजक बलभद्र सिंह ने बताया कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस जिले में जा रहे हैं वहां मामा जी का स्वागत किया जा रहा है और उनके द्वारा आश्वस्त किया जा रहा है कि आपका मामा आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा, हमें आपके भविष्य की चिंता है, लेकिन वहां से जाते ही अपना वादा भूल जाते हैं। जिला उपाध्यक्ष शशांक द्विवेदी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों को 28 अप्रैल से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार कर दिया गया है, जिससे अब अतिथि शिक्षक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कुछ अतिथि शिक्षक अपनी रोजी रोटी चलाने के दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, कुछ गांवों में मजदूरी कर रहे हैं तो कुछ तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए भी मजबूर है। बता दें कि अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी आज लगभग 10 साल से संभाले हुए हैं और इन्हीं के दम पर सरकारी स्कूलों के रिजल्ट में काफी सुधार हुआ है। कई स्कूल केवल अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही चल रहे हैं, जिसके एवज में उन्हें मात्र थोड़ा सा मानदेय 100, 150 और 180 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है, जिससे उनका रोजी रोटी चलाना मुश्किल होता है। वहीं उन्हें अगस्त नियुक्त कर फरवरी में निकाल दिया जाता है। आज एक रेगुलर शिक्षक को जितना एक माह में से वेतन मिलता है उतना अतिथि शिक्षक को एक वर्ष में नहीं मिलता। अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो देखते हैं अब क्या होता है अतिथि शिक्षकों का भविष्य और क्या करती है सरकार। दोस्तों यदि अपडेट खबर अतिथि शिक्षकों की, इसी प्रकार की अपडेट खबर की और हर क्षेत्र की खबर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको ऐसे अपडेट और अलर्ट खबर मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होने जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।